मास्टर जावेद मंगश। अच्छा, कुछ लोगों ने ज़्यादातर जितने कमेंट्स आए हैं आज तक अभी तक तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद में, लेकिन उसमें ज़्यादातर अगर कहा गया कि आप हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिस बताइए स्टिचिंग के बारे में जो आपकी स्टिचिंग फुल हो सको, आपके एक्सरसाइज अच्छी हो, आपके जिस्म जिसामत अच्छी हो, हाइट इंक्रीज़ करना। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊँ, हमारे पैर के अंदर एक गैप होता है जो वह ज़मीन से टकराता नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें नंगे पांव अगर आप कहीं वॉक करें, जॉगिंग करें, तो उससे कोई छोटे छोटे पत्थर आपको लगते हैं ना, तो वो प्रेशर से आपका जो जिसामत है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास टेनिस बॉल है तो टेनिस बॉल अपने पैर के नीचे रख के उससे ऐसे रगड़ा देना है ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन, ये उसके लिए नहीं है जो प्रैक्टिस करे, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं, जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें कि टेनिस बॉल पे पैर रख के यूँ रगड़ा दे, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 8,000 नसें ऐसे हैं हमारे पाँव के नीचे जो वो ज़मीन से टकराती नहीं है, तो इस वजह से हमारे वो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ने शुरू हो जाते हैं, बॉडी श्रिंग होने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा कुछ बेसिक एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की मैं आपको सिर्फ तीन करा रहा हूँ, लेकिन आपने ये पूरे सेट को 10 बार करना है। पहले अपने थोड़ा सा वार्म अप करना है, आपके पास स्पेस नहीं है रनिंग का, जॉगिंग की जगह नहीं है, पार्क नहीं है कोई, आप छोटा सा एक कमरा हो, कमरे के अंदर भी आप अकेले ये कर सकते हो, तो ये आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट्स इसके लिए है कि हम अगर रूम में घर में करें तो क्या करें। तो चले, ज़्यादा बातों से बेहतर है कि हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जे बाओ, चार जंपिंग, चेंज चेंज चेंज, वन टू थ्री, इक्वल वेट, वन। अच्छा, ये जो मैं करवा रहा हूँ, मैं ये सिर्फ तीन करवा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपने इसके 10 का सेट लगाना है, ठीक है। टू, वन टू, वन टू, वन, फुल बॉडी टर्न, टू, वन टू, वन हैंड डाउन, वन टू, वन टू, ओके, नाउ फुल स्ट्रेचिंग, गुड जॉब, गुड जॉब, वन टू, वन टू, फर्स्ट राइट, वन टू, सिट डाउन, क्लोज लेग, हैंड्स अप, ग्रिप, वन टू, वन two, butterfly, one, down, two, one, two, zay, up, wow, ये जो मैंने प्रैक्टिस कराई है शॉर्ट में कराई है, तीन स्टेप कराए, लेकिन आपने इसको घर में कम से कम 30 मिनट तक करना है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अगर आपकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे खैर आफियत के साथ, अगर 100 साल के भी आप हुए ना, तो आप 100 साल के बाद भी चलने फिरने से कासिर नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।